हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने अपने लड्डू बाबू को, बाल गोपाल जी को पगड़ी पहनाई है। ये देखिए, हमें बताइए हमारे ठाकुर जी आपको पगड़ी में कैसे लगे। पहली बार हमने अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए पगड़ी बनाई है, जो ये बांधने वाली पगड़ी जो है इसको बनाया है, और ये हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये पगड़ी हमने ठाकुर जी को कैसे बांधी। आप किसी भी ड्रेस की मैचिंग पगड़ी इसी तरीके से बांध सकते हो जैसे हमने इसको बांधा है, बड़ी आसानी से बन जाएगी। और ये मैचिंग भी आप बना सकते हो, या इसके अपोजिट कलर आप ले लें ड्रेस के तो भी बहुत अच्छी लगती है। हमने इसको थोड़ा सा मैचिंग के साथ बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमने अपने ठाकुर जी के लिए पगड़ी कैसे बनाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पगड़ी बनाने के लिए हमने ये कॉटन का जो फैब्रिक है वो लिया है, ये देखिए बारीक वाला, और इसकी लेंथ जो है हमने 30 इंच रखी है। आप चाहे कितना लंबा ले लीजिए, जितनी लंबी आप बांध सकें, 25, 30, 20 भी चल जाएगी अगर आपको हल्की पगड़ी बनानी है। और चौड़ाई इसकी हमने 5 इंच रखी है, ये देखिए, और इसको हमने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, यहाँ से हमने इस साइड को और फिर इस साइड को और ऐसे फोल्ड किया यहाँ पर, और उसके बाद हमने इसको ऐसे फोल्ड किया। देखिए, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ से इसको ऐसे, ये देखिए इस तरह से, यहाँ से हमें इसको ऐसे लेकर जाना है। देखिए, टाइट टाइट पकड़ेंगे इसको यहाँ से, और ये वाली पट्टी हम यहाँ लेकर आएंगे। इसको हमें लूज़ नहीं छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से, इसको आप चाहें तो इस तरह से लपेट भी सकते हैं, ऐसे भी लपेट सकते हैं। कॉटन फैब्रिक है, अगर आप नेट का बना रहे हैं तो इसकी लेंथ और ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा रखिए, और चौड़ाई भी थोड़ी ज़्यादा रखिए क्योंकि नेट और ज़्यादा पतला होता है। ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ से हम ऐसे, ये देखिए, इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ से लेकर आएंगे, ये देखिए, और लास्ट में हम इसको इस तरह से पीछे, देखिए, एक सेफ्टी पिन लेंगे और उसकी हेल्प से हम इसको सिक्योर करेंगे, नहीं तो ये खुल सकती है। और हमें बहुत ध्यान से रखना है, करना है इसको, कान्हा जी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये देखिए हमारे लड्डू की पगड़ी, अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पगड़ी तो हमारे ठाकुर जी ने बंधवा ली है, अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हमने ये कंगन लिया है इनका, ये फोल्ड होने वाला कंगन है। आप चाहे तो कोई ब्रोच वगैरह लगा सकते हैं या फिर मोर पंख लगा सकते हैं। मैंने इनको ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है। आपके पास जो भी सामान हो उसी से इसको डेकोरेट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस पगड़ी का लुक इससे और ज़्यादा बढ़ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पगड़ी, इस पर हमने कंगन कान्हा जी के अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये मोर पंख लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए हमारे ठाकुर जी पगड़ी में आपको कैसे लग रही हैं आप ज़रूर बताएं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने जो पगड़ी कान्हा जी को पहनाई है बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से पहनाई है, आप लोग इसको आसानी से पहना सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप भी बनाइए और हमारे लड्डू को पहनाइए, लड्डू को बाबू को खुश रखिए। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।